So, दोस्तों फाइनली 6 साल से ज्यादा के इंतजार के बाद आज ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों इसे मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन कहूंगी क्योंकि ये आपको यूपीएससी के द्वारा जो न्यूज़पेपर में एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, उसके द्वारा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जल्द ही आपके फॉर्म फिल होने भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ईपीएफओ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 418 वैकेंसी एनफोर्समेंट ऑफिसर और 159 वैकेंसी एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की दिखाई दे रही है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ईपीएफओ क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। शांत, हर प्रश्न का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। दोस्तों ईपीएफओ पूरा नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। दोस्तों ये काम करता है श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत काम करने वाला ये जो ईपीएफओ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के अंतर्गत हमें कुछ अधिकारियों की जरूरत होती है, जैसे कि ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर जिसे कहते हैं, और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो इन इन पोस्ट के लिए आप लोग एग्जाम देते हो। मिनिस्ट्री है, ईपीएफओ संगठन है, उसके अंदर अधिकारी की पोस्ट है। तो दोस्तों अब ये जो वैकेंसी है ये कौन जारी करता है, मतलब इसका एग्जाम कौन लेता है? दोस्तों इसका एग्जाम लिया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी यूपीएससी के द्वारा। दोस्तों अब इसके नोटिफिकेशन में जो डेट दी गई है वो है 25 फरवरी। दोस्तों आपका जो फॉर्म फिल किया जाना है वो आरंभ होगा 25 फरवरी से। 25 फरवरी से आपका फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। 25 फरवरी 12 बजे के बाद आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 17 मार्च शाम 6 बजे, 25th of Feb 12 PM के बाद से आप फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17th of March 2023 6 PM। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी कि और अकाउंट ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, उनकी 418 वैकेंसी है, और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की यहाँ पे 159 वैकेंसी है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी एलोकेशन देख सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी है कि SC ST की, EWS की, जनरल की, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं। क्योंकि 6 साल बाद ये वैकेंसी आई है तो सामान्य सी बात है कि बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर फॉर्म भरने वाला है, आपको बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी की जरूरत है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए देखना जरूरी है कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों कोई भी कैंडिडेट जो कि 21 साल या उससे ऊपर का है वो यह फॉर्म भर सकता है, अगर उसकी आयु एपीएफओ की पोस्ट के लिए 35 साल से कम हो और ईओ या एओ की पोस्ट के लिए 30 साल से कम हो। इसके अलावा आयु में आपको आरक्षण मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आपको SC ST, OBC, आप दिव्यांग कैटेगरी या फिर कोई सैन्य अधिकारी रहे हैं पहले, इसके अनुसार आपको जो आयु में आरक्षण है, जो एज रिलैक्सेशन है, वह दिया जाएगा। अगर बात की जाए शैक्षणिक योग्यता की, तो दोस्तों आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा आप आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते ही हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जिससे आपकी एज प्रूफ हो सके ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, आपकी मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। यूपीएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट जरूर करवाया जाता है, बट आप ये मत सोचिएगा कि सेम टू सेम जो हमारा IAS IPS वाला, जो अखिल भारतीय वाला पैटर्न है, वो फॉलो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तीन नहीं बल्कि केवल दो चरण होते हैं, फेज 1 और फेज 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेज 1 जो हमारा पहला चरण होता है वो रिटर्न एग्जाम का होता है। रिटर्न एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आप इसको यूपीएससी मेंस से कंपेयर कर रहे हो कि हमें लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, बिल्कुल वैसा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए जो रिटर्न एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, MCQ वाला, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स। अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको 0 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। 100 नंबर का आपका ये MCQ वाला रिटर्न एग्जाम होगा, और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि 2 घंटे के
इस पेपर में अगर आप पास हो जाते हैं तो कुछ समय पश्चात फिर होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, फेज टू है आपका 100 नंबर का इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपके केवल ये 2 चरण है, रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू। इन दोनों को अगर आप पास कर लेते हो तो आपका अधिकारी बनने का स्वप्न पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। रिटर्न एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है, और नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं रिटर्न एग्जाम में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंग्लिश और वोकैब से प्रश्न देखने को मिलेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, यूपीएससी मेंस में भी जो आपका कंपलसरी पेपर है, जिसमें हम लोग पेपर ए और पेपर बी देखते हैं, लैंग्वेज पेपर होता है, तो लैंग्वेज पेपर के लिए तो तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी ही है ना, फिर पढ़ लो भाई, ईपीएफओ के लिए भी पढ़ लो, दोनों जगह काम आएगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो यूपीएससी में हम हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, इतना डीप में मेंस के लिए इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट, यहाँ पे वो पोर्शन आने वाला है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, जो कि मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ाती हूँ, वो पोर्शन आने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप यूपीएससी के लिए इतना ज्यादा पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो ईपीएफओ के लिए तो आपको सिर्फ एमसीक्यूज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, आईआरबी नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद करंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये है भाई, देख लो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो मंत्रालय है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये श्रम निधि वाला है, इसलिए यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए। एक और चीज यहाँ पर है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो एपीएफसी की 159 वैकेंसी, ईओ या एओ की जो 418 वैकेंसी है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अनअकैडमी के साथ पढ़ा पढ़ा कर इन सभी वैकेंसीज में से एक पोस्ट तो मिलनी ही चाहिए। और दोस्तों अगर आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं, अपना पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करके इन पोस्ट में से एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पर। और हाँ, जब आप अनअकैडमी पे ईपीएफओ की कैटेगरी में जाओगे तो आपको अलग से बैचेस मिलेंगे, अलग से सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और वहां पर भी जो आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है वो है अपूर्वा23। अपूर्वा23 कोड यूज करने से आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट।